स्वागत है आपका हर समय ब्लॉग में। तो सुबह का मेरा शुरुआत हो गया है पोछा मारने से, पोछा मरा रहा है और पूरा घर का काम खत्म हो गया। सुबह में उठे दीदी जल्दी जल्दी बर्तन मांज दी, बूढ़ी दीदी, और यहाँ पे देखिए पूरा खालिया खालिया, अभी तक पानी नहीं आया। सोचे कितना जल्दी मेरा काम खत्म हुआ है। तो इधर में हमारा खाना बन रहा है, जल्दी जल्दी नाश्ता खाना सब बना रही है छोटी दीदी, है ना जोड़ी दीदी। अब हमारा जो वीडियो ले रही है छोटी दीदी ले रही है, इसका तो वो बोल नहीं रही है। तो मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा पानी भी आ चुका है और पापा यहाँ पे पूरा पेड़ में जितना पौधा है सब में पानी दे रहे। पापा हाय गुड मॉर्निंग तो बोलिए, पापा बोलते ही नहीं है, ऐसे बहुत बोलते हैं। मोबाइल जहाँ चालू हो जाता है ना तो वहाँ पे पापा बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ सही। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, दीदी यहाँ पे खा रही, दीदी अब पूजा उजा करके आ गई है एकदम, है ना, इसलिए टीका पीका सब लगा। इसका देखिए खाना में क्या क्या है, इसका नाश्ता में ये है सब्जी रोटी और केला का भुजिया। तो ये बोले पपीता का भुजिया, पपीता का भुजिया। तो यहाँ पे छोटी दीदी बना रही है, तो गरम गरम दीदी बोली दो मेरे को, तो ये थोड़ा सा बनाइए सबके लिए। अभी बन रहा है दाल, ये बन रहा है माँ की दाल, देखिए काला वाला जो दाल होता है ना, मसूर दाल, मसूर दाल ना दीदी, मसूर दाल ना, तो वो बन रहा है। और यहाँ पे आटा भी नहीं सनाया है फ्रेंड्स, अभी आटा वाटा सब सानना है क्योंकि मेरा अभी पोछा भी देखिए कंप्लीट हुआ नहीं, हम यहीं पर रख के हम वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी बात कर रही है मौसी से, माँ माँ बोलिए हाय। क्या पोछिए, हम पोछ नहीं रहते, देखिए यहाँ कपड़ा रखा हुआ है मेरा, देखिए यहाँ पे कपड़ा रखा, पोछ रहते ये सब, ये सब सब पोछे, तो ये सब नहीं पोछिए, तो पापा बैठ गए थे ना इसीलिए हम फिर नहीं पोछे, पोछ देंगे। तो हम भी जा रहे हैं फ्रेंड्स जल्दी छोटी दीदी का हेल्प करवा लेंगे। और उधर देखिए मीटिंग चालू हो गया है एकदम। मौसी का फोन आता है तो सब एकदम बैठ जाता है एकदम अस्थिर से, क्योंकि काम भी खत्म हो गया और करेगा क्या सब कोई। तो यहाँ पे छोटी दीदी का बन गया, आपको तो दिखाए कुछ कुछ बना लिया और कुछ कुछ क्या क्या बचा हुआ छोटी दीदी। अभी दाल भात चोखा बचा हुआ है। आज हम बना रहे हैं खाना, छोटी दीदी जब बनाती है, छोटी दीदी जब बनाती है तो दाल भात चोखा ही मिलता है सबको, है ना, तो इसीलिए आज दाल भात का, स्वीटी का कुकिंग है तो दाल भात चोखा ही मिलेगा इनको बेचारी। हाँ तो आज इसका पार्टी भी है, और आज मेरा पार्टी भी है, आज हम शाम में रेडी होंगे तो आप लोग जरूर दिखाएंगे। हमेशा एक ही जैसा तो तैयार होती है, क्या तैयार होती है, आज थोड़ा स्पेशल तैयार है। अच्छा 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 अच्छा, तो हम भी करवा लेते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा सा बचा हुआ है बर्तन होता, थोड़ा सा खाली बचा हुआ है तो उसको भी हम धो लेते हैं, फिर मिलता है। धूप भी बहुत कड़ा हो गया है, अभी से ही पसीना आने लगा सच। दीदी भैया हो रहे ना, जनरेटर नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा उधर करके लगाएगा, रात भर सर की दर्द करेगा। हाँ ये भी है सच में, इधर फ्रंट जनरेटर रखा हुआ है, लगा देंगे ना तो ये हो जाएगा। समझा रही है, आ गई है लीडर घर का। अच्छा किसी को प्रॉब्लम ना हो ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स रात छोड़िए, और यहाँ पे देखिए बगल में ये पूरा पंडाल उंडाल सब लग गया है। इधर देखिए पूरा हम लोग का दीवारी तक पूरा यहाँ पे जनरेटर सब लग गया, क्योंकि आज ये है भोज, इसीलिए तो इन लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, मम्मी अपना काम कर रही है बैठ के। माँ माँ आप तो हेलो नमस्कार कुछ नहीं किए, गुड मॉर्निंग, हम पूजा उजा करके आ गए, भूख लगा नाश्ता कर रहे हैं। मौसी से गुप्तगु हो गया, मौसी से गुटुरगु हो गया, गुटुरगु। तो यहाँ पे हम भी जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं, मेरा भी हो गया इला पूरा क्लीन। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ रोटी रोटी बना रहे हैं, और इधर आम पन्ना का तैयारी हो रहा है, देख लीजिए दीदी तुम भी बोल सकती है। अच्छा आम पन्ना बना रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है ना, यहाँ जीरा भुजा रहा है, उसमें जीरा भुजा, जीरा भुज के दे दिया हम इसको, थोड़ा सा इसको पीस रहे, इसका बुरादा बना रहे हैं कि इसमें डालेगी, है ना, दोनों एक साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स काम में। मम्मी उधर पानी भर रही है, पानी हम लोग का भरा ही रहा है, मम्मी एकदम अपना पूजा का पानी भर रही है, थोड़ा जोर बोलिए पूजा का पानी भर रहे बाबू लोग।
हम लोग तरफ नल नहीं है, सुबह में बहुत दिक्कत हो जाता है, इसके चलते मम्मी पूजा का पानी अभी भर के रखा। और हम लोग का टाइमली पानी आता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है, इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी पूजा का ही पानी भर लेते हैं, पीने का ही पानी भर लेते हैं, नहाने का ही पानी। हम लोग का डब्बा 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 बहुत हम लोग का है, भगवान खाली दया करे टंकी बैठ जाए एक तो भी पानी एक भरे ना दीदी, एक चीज भरना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होता है सच में। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, गर्मी का इलाज के लिए यहाँ आम पन्ना बन रहा है, दीदी बना रही है टेस्टी टेस्टी, क्योंकि पापा लोग राहुल लोग धूप में आना जाना करते हैं उन लोगों के लिए। और हाँ छोटी दीदी तो एसी में बैठती है, आपको क्या बताए सच्चाई है ना दीदी। नहीं तो यहाँ पे मेरा भुजा चुका है, इसको डाल। तो यहाँ डला गया, अब इसमें क्या क्या डालेगी दीदी? इसमें नमक डाल देंगे, नमक, कलछुल, चीनी डालना होगा ना, चीनी डाल छोटी दीदी फटफट। तो हम लोग का डब्बा निकल गया है चीनी वाला। हाँ हाँ हमको समझ में आ गया है, मम्मी हमको खाली समझाते रहती है। छोटी दीदी का फौलादी वाला हाथ चालू हो गया है, चीनी निकल रहा, देखिए ये। और तो ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, रुक जा ज्यादा नहीं, तो इसमें ये डाल दे, खट्टा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है। इसको हम लोग बॉईल करके हम लोग रख दिए थे फ्रेंड्स, इसको आम को, तो ये ला देखिए पूरा पल्प कितना सारा इसका पल्प निकल गया है। तो यहाँ पे मेरे को दिया जा रहा है, हमको कलछुल से देना, कलछुल से पिएंगे। ब्रश पिए है ना? हाँ रे ब्रश क्रश कर रही थी, कलछुल से नहीं दी मेरे को। तो यहाँ पे रस हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है रे, बोले तो अच्छा लगता है, थोड़ा चीनी एकदम नमक नमक भी नहीं आ जाता है हमको, नमक वाला पसंद है थोड़ा थोड़ा देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है, आप लोग भी जरूर पीना, गर्मी में यही रामबाण है गर्मी काटने का सच में। नहीं दीदी दीदी का सब वो भी हम याद दिलाए हैं कि ये लोग बनाना है, नहीं तो ये लोग एक हफ्ता हो गया था रख के छोड़ दिए थे। और यहाँ पे पापा का नाश्ता निकाल रहे हैं, और मम्मी देखिए दाल बहुत अच्छा बनाई है। एक मिनट। और यहाँ पे देखिए मम्मी माँ का दाल बनाई है बहुत अच्छा, जैसे सुटी भी बनाई थी लेकिन मम्मी चौकती बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग थोड़ा थिक नहीं खाते हैं, हम लोग थोड़ा पतला दाल खाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे पापा का नाश्ता निकाल रहे हैं, और ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी अभी थोड़ा देर में नाश्ता करेंगे, पापा को दे देते हैं, पहले पापा आ गए थे नहा वहा के पूजा वूजा करके, उनका काम वम सब खत्म हो गया, तो इसका जाता है यहाँ पे भुजिया। और ये रोटी, यहाँ पे रोटी ऐसे रखते हैं। ये पापा का नाश्ता। हाँ पापा लीजिए। तो फ्रेंड्स माँ से दाल लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है, और मम्मी बनाती है तो और अच्छा लगता है सच में। तो फ्रेंड्स पानी गिरना चालू हो गया है दोपहर में ही, देखिए पूरा पानी गिर रहा है बहुत जोर। अरे ये कपड़ा उठा ले, कपड़ा उठा। और यहाँ पे देखिए एक तो भूतनी मुंह में गोबर लगाइए लग रहा है, देखिए मुंह में लग रहा गोबर लगाइए। हाय स्वीटी, हाय स्वीटी कैसी है, गोबर लगा के महक नहीं रहा। हम लोग पानी को देख के एंजॉय ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत महक रही है सच में, जो गोबर गोबर। मजाक कर रहे, मजाक, यहाँ बिजली बहुत भी जोर खड़क रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पापा शाम का सब्जी लेके आए हैं, और यहाँ मम्मी उम्मी सब खड़ी है, और बाहर अंधेरा हो गया है फ्रेंड्स पूरा, देखिए पूरा अंधेरा। और जूस निकाल के
गाजर क्या सूप बनाने का वो निकाल रही दीदी। अच्छा हाँ ठीक है नहीं 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 ठीक है पापा थोड़ा होगा तो यहाँ सूप का निकल गया इतना का सूप बनेगा गाजर लौकी बीट और टमाटर इसका सूप बनेगा और यहाँ पे पापा सब्जी और लेके आए हैं तो यहाँ देखिए दीदी फटफट निकाल उकाल के ये मस्त वाला भाजी लेके आए हैं सच में बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स पापा लोग तो चल जाएंगे बगल में आप लोगों को देखें कि पंडाल उंडाल लगा है तो वहाँ पे पापा को भोज है तो वहाँ पे पापा को इनवाइट किया गया है बुलाया गया है तो पापा वहीं पे जाके खाएंगे और हम लोग भी कुछ टेस्टी चीज बनाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि क्या हम लोग बनाएंगे। हम लोग एक ही चीज बनाएंगे रोटी सब्जी नहीं बनाएंगे हम लोग दूसरा कुछ बना रहे। तो फ्रेंड्स हम भी कंपनी से आके यहाँ आके सो गए थे फ्रेंड और गए थे डॉक्टर पास क्योंकि ये तो हुए अंदर मुंह में इतना बड़ा पूरा छाला हो गया है ना खाने तक नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्या बना रही है पता नहीं क्या बन रहा है तो बन रहा है आपको बताने रहते हैं इधर आइए तो आपको दिखा रहे हैं शाम का क्या बन रहा है ना बोलेगी और क्या बोलेगी पास्ता बना रही पास्ता बन रहा पास्ता फ्रेंड देखिए यहाँ पर पूरा मेसी पड़ा हुआ है और ये बना रही है पास्ता का तैयारी कर रही है तो पास्ता बना रहे फ्रेंड मैदा वाला जो बाहर का रेडीमेड मिलता है वो वाला भी नहीं और घर में भी मैदा का यूज हम लोग नहीं करेंगे पास्ता का जो बनता है घर में यहाँ पर देखिए पूरा कॉफी खुल गया ये मेरा क्या बोलते हैं कुकिंग वाला पूरा कॉफी है जितना जो हम बनाते हैं सब मेरा इसमें पूरा है। हाँ। जब जब हम कुछ बनाते हैं तो मेरा जो सही है मेरे को इसमें मिल जाता है तो मेरा वही है। लेकिन अभी तो तैयारी तो नहीं दिख रहा दे रहा सब तैयारी हो चुका है तो अभी फ्रेंड बना रहे हैं आटा वाला पास्ता आपको पारा पारी दिखाएंगे और देखिए उसका सॉस बनाने के लिए हम क्या क्या आगे रखे हैं आके दिखा यहाँ पे टमाटर बादाम और क्या है बोलो मुस्की क्या मार रही बताओ यहाँ पे भुजा टमाटर रखे हैं फ्रेंड्स और आपको दिख रहा होगा और इसके लिए बादाम चाहिए सॉस बनाने के लिए और यहाँ पे जितना हम लोग का खड़ा मसाला था वो रख लिया है जैसे गरम मसाला फिर दालचीनी फिर बड़ी इलायची का बीज छोटी इलायची ये सब रखे हैं और यहाँ धनिया पाउडर रखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पिद्दू पास्ता बना रही है होममेड पास्ता आटा वाला पास्ता तो बहुत ही हेल्दी रहता है तो उसका रेसिपी यहाँ पे शेयर कर रही है। यहाँ कढ़ाई में जरा सा तेल ले लिए ऐसे बटर में भी बना सकते हैं लेकिन हम लोगों के पास बटर नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा ऑयल बना रहे हैं। जिसके पास घी है घी भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे देखिए हम तेल गरम कर लिए हैं जितना मेरे को तेल चाहिए और मेरा जितना सामग्री सॉस बनाने में लगेगा पास्ता वाला सॉस। ये आपका किस चीज का पेस्ट है बताओ तो ये है लहसुन का पेस्ट खाली अदरक नहीं इसमें पड़ेगा तो ये लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा इसको भून लेंगे अच्छा से। अरे तो बना रही हम तो खा नहीं सकते इसीलिए तो बना रही थी तुम खा नहीं राहुल के पूरा मुंह देखिए पूरा फेस फुला हुआ है छाला हो गया पूरा छाला हो गया बहुत परेशान है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए लहसुन भून रही है ये हल्का सा खाली रोस्ट होगा अब पारा पारी सब डालेंगे जो मेरा खड़ा मसाला है वो डालेंगे और इसमें मसाले में देखिए क्या ये बड़ी इलायची का बीज है बड़ी इलायची का बीज है छोटी इलायची का छिलका पिलका सब है जो था मेरा घर में वही डाल जितना खड़ा मसाला था उसको भी हल्का सा इसमें भूज लेंगे क्योंकि अच्छा फ्लेवर आएगा और इसका सैंड भी आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्याज भुजा चुका है जितना मेरे को चाहिए था मतलब कि पिंक हो गया तो हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना थोड़ा अच्छा सेंट भी आता है हर चीज धनिया पाउडर थोड़ा अच्छा से डाल देते हैं। ये हो गया अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है मेरा तो मम्मी राहुल के लिए लेके जा रही है खाना रात का तो दूध रोटी तो बाबू के लिए तो खाने नहीं पा रहा है फ्रेंड्स इसीलिए मुंह में पूरा सब छाला हो गया है इसके चलते मम्मी दूध और रोटी लेके जा रही है पूरा देखिए कितना अच्छा तो उसको मम्मी पूरा ये कर दिए कि उसको खाने में आराम हो तो मम्मी लेके जा रही है उसको खाने के लिए ठीक से खाने नहीं पा रहा है चावल ओवल कुछ नहीं खाने पा रहा है वहाँ बैठा हुआ
इसका तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, इसका चलते हैं और दिक्कत हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए दीदी फटफट बना रही है, ये तो मोबाइल में लगी हुई है मैडम, जल्दी जल्दी कर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पास्ता बना रही है, घर का हम लोग आटा का ही यूज कर रहे हैं, ऐसे आप मैदा का यूज कर सकते हैं लेकिन हम लोग आटा का यूज कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा मतलब कि अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे आटा को देखिए, नॉर्मली जो आटा सनाता है रोटी के लिए, तो उसी को हम लोग बेल करके ऐसे ऐसे काट दे रहे हैं। माँ का मच्छर मार रही, मुंह का माँ अपना बैडमिंटन से मच्छर मारते हुए मच्छर डेंजर अरे तक माँ कान का सारा बजा रही है धाए धाए। और फिर दो यहाँ पे बेल रही है, बेल रहे थे माँ उसी आके मच्छर मारने लगी धाए धाए बहुत मच्छर बहुत मच्छर। अब गई बाहर का मच्छर मारने फ्रेंड्स। देखिए अब हम लोग का पास्ता में पास्ता घी डाल दिए हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब मिलाई ये सब चीज। यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा आटा वाला पास्ता देखिए बन के रेडी, हल्का गीला हो गया, टूट गया लेकिन वो टेस्टी लगता है। और ये हम लोग का मसाला हल्का सा घी में, हल्का सा घी में हल्का सा भूनेंगे खाली, बस हल्का सा। और सॉस वॉस भी डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉस निकाल के रखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सॉस, इसको पहले थोड़ा हल्का सा पका लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा स्मेल अच्छा है, डाल तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा चिली सॉस, आपका जिस हिसाब से पास्ता रहेगा उस हिसाब से अपना सॉस डालना, आपका मन डालना है तो डाल सकते हैं, हम लोग को ऐसे भी अच्छा लगता है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल में। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का पास्ता बन के रेडी हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, थोड़ा सा हल्का गीला गीला ही हम लोग बनवाए क्योंकि हम लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही हम लोग को पसंद है। तो हम लोग का यहाँ पे प्लेट्स लग चुका है तो अब हम लोग चले खाने। तो पिद्दू जो बोलना है अपने यूट्यूब फैमिली को बोल दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पास्ता बन के तैयार, और सैंड भी तो बहुत अच्छा आ रहा है, भूख भी बहुत जोर लगा, रात भी बहुत हो गया है फ्रेंड्स। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह उटपटांग कोई कोई चीज का हम लोग रेसिपी शेयर करते रहेंगे सच में। तो ऐसे ही आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छी रेसिपी चाहिए, हम लोग भी जैसा हो सकेगा हम लोग बना के आपको दिखाएंगे। और अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।